गाइस, माय नेम इज जिला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे किचन के 8 बेसिक आइटम्स के बारे में एंड क्या फैक्टर्स आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए जब आप उनको मार्केट से परचेज करते हैं। बियॉन्ड राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मेकिंग अ बेटर चॉइस, अ स्मार्टर चॉइस। ऑल्सो, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने अराउंड 1 ईयर पहले शेयर किया था एंड यू गाइस अप्रिशिएटेड इट अलॉट एंड आई होप कि ये पार्ट भी आपको इक्वली हेल्पफुल लगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैब वे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट पोटैटो मैशर। पोटैटो मैशर्स हम सभी के घर में यूज़ होता है एंड इसके इतने वेरिएंट्स आते हैं दैट समटाइम्स इट रियली गेट्स कंफ्यूजिंग कि कौन से वाला हमारे लिए बेस्ट है। तो चलिए अब देखते हैं कि इनमें से बेस्ट पोटैटो मैशर कैसे सिलेक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कभी भी स्मॉल या फिर शॉर्ट हैंडल का पोटैटो मैशर मत लीजिए, वरना किसी डीप यूटेंसिल में वेजिटेबल्स मैश करते टाइम आपके हैंड्स बर्न हो सकते हैं। हमेशा बड़ा लॉन्ग पोटैटो मैशर ही चूज करिए, इस तरह से आप किसी डीप यूटेंसिल में वरी फ्री अपने वेजिटेबल्स को मैश कर पाएंगे। देखिए इसको यूज करके मेरे हैंड में और कुकर में कितना गैप है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रिप। कभी भी ऐसा मैशर मत लीजिए जिसमें आपको प्रॉपर ग्रिप ही ना मिले और आपके हैंड स्लाइड होते रहे। ये वाला मैशर अर्गोनॉमिकली डिजाइंड है और इस पे आपको एक बहुत फर्म ग्रिप मिलती है। जब आपको एक फर्म ग्रिप मिलेगी तभी आप वेजिटेबल्स को प्रॉपरली एंड क्विकली मैश कर पाएंगे। देन ये जो स्प्रिंग वाला पोटैटो मैशर है ये भी बहुत कॉमन है, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इसको यूज करके वेजिटेबल्स मैश करने में बहुत स्ट्रेंथ लगती है, इसीलिए आई विल नॉट रिकमेंड दिस एज वेल। सब में से ये वाला मैशर मुझे बेस्ट लगा फॉर सो मेनी रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ जॉइंट पर एक स्क्रू लगा हुआ है जिससे मैशर के हैंडल को एक स्ट्रेंथ मिलती है। मोस्टली बाकी सभी मैशर्स में ये स्क्रू नहीं होता जिससे वो जल्दी टूट जाते हैं। ये मैशर लॉन्ग है, स्टर्डी है और इस पे आपको एक अच्छी ग्रिप भी मिलती है विच मेक्स योर जॉब वेरी इजी। एंड इसका बेस्ट फीचर है कि आप दोनों साइड से प्रेस करके इसके हेड को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ये इसका स्पेस सेविंग मोड है, एंड वापस प्रेस करके अनफोल्ड कर सकते हैं। Isn't it great? इस तरह से बाकी मैशर्स के कंपैरिजन में ये आपकी किचन में भी कम स्पेस लेगा। एंड इट्स ऑल्सो डिश वॉशर सेफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनी वेजिटेबल चॉपर। इनकी तो मार्केट में ह्यूज वैरायटी है, बट इनको आप ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ये रिचार्जेबल चॉपर। इसके साथ में आपको एक चार्जिंग केबल भी मिलती है जिसको आप यहाँ प्लग इन करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है मैनुअल स्ट्रिंग चॉपर्स। दोनों ही चॉपर्स में ट्रिपल ब्लेड है, क्लियर प्लास्टिक कंटेनर है एंड दोनों का ही बेस एंटी स्किड है। तो चलिए अब दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा चॉपर बेटर है। दोनों में है इक्वल पीसेस ऑफ अनियन, इक्वल पीसेस ऑफ क्यूकुम्बर, हाफ कैप्सिकम इन ईच, हाफ अ कैरेट इन ईच। इक्वल गार्लिक क्लोव्स इन ईच। दोनों चॉपर्स की टेस्टिंग हो गई है तो चलिए अब इन चॉपिंग्स को क्लोजली देखते हैं। फर्स्ट लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ दिस मैनुअल स्ट्रिंग चॉपर। एज वी कैन सी, इसमें सारे वेजिटेबल्स इवनली एंड फाइनली चॉप हुई हैं। इवन कैरेट भी अच्छे से चॉप हुई है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लार्ज पीसेस। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ दिस रिचार्जेबल चॉपर। इसमें भी वेजिटेबल्स फाइनली चॉप हुई हैं, लेकिन इवनली नहीं हुई हैं। इसमें आपको काफी लार्ज पीसेस मिल जाएंगे एंड कैरेट्स को ये चॉप क्या कट भी नहीं कर पाया, इट जस्ट गॉट स्टक विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। देयरफॉर दिस मैनुअल स्ट्रिंग चॉपर इज श्योरली अ विनर। और इस रिचार्जेबल चॉपर के बारे में तो हम यही कह सकते हैं, हमने कोशिश बहुत की।
और अगर प्राइस की बात करें तो मैनुअल स्ट्रिंग चॉपर का प्राइस है ओनली ₹249 एंड इस रिचार्जेबल चॉपर का है ₹999। शोले रिचार्जेबल चॉपर्स हमारे एफर्ट सेव करते हैं एज दे आर ऑटोमेटिक, बट उनको बार बार चार्ज करना भी याद रखना पड़ेगा। Therefore, in my opinion, price-wise, performance-wise, manual string choppers are a much better option. Also, many people feel कि इसका string बार-बार टूट जाता है. But let me share my experience with you. मैं ये chopper more than 2 years से use कर रही हूँ on a daily basis and मैंने आज तक इसमें ऐसा कोई issue face नहीं किया. And ये कितना sturdy है, ये तो हम देख ही चुके हैं. So, I'll highly recommend this. Next product is utensil drying rack. हम सभी लोग अपने घर में यूटेंसिल्स को वॉश करने के बाद उनको ड्राई करने के लिए ये रैक यूज़ करते हैं। बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि जब आप इनको मार्केट से परचेज करते हैं तो आप क्या चेक करते हैं? साइज एंड हाँ, डिप ट्रे ज़रूर हो ताकि सारा एक्स्ट्रा वाटर उसमें कलेक्ट हो जाए। जैसे ये दो रैक्स, इनमें देखने से हमको सिर्फ दो ही डिफरेंस नज़र आ रहे हैं, कलर एंड साइज। ये साइज में बड़ा है और ये छोटा। बट साइज एंड कलर के अलावा भी इनमें एक ह्यूज डिफरेंस है जो अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं एंड मैं खुद भी ये गलती कर चुकी हूँ, और वो डिफरेंस है इनके डिप ट्रे का डिज़ाइन। जैसे ये वाली जो डिप ट्रे है इसके अंदर स्मॉल ड्रेन है, तो आप इस रैक को सिर्फ सिंक के साइड में ही यूज़ कर सकते हैं ताकि यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद सारा एक्स्ट्रा वाटर डायरेक्टली सिंक में ही ड्रेन हो जाए। अगर ये रैक हमने स्लैब पर ही रख दिया तो सारा एक्स्ट्रा वाटर स्लैब पे ही ड्रेन हो जाएगा एंड वी ऑल कैन इमेजिन द मेस इट कैन क्रिएट। देयरफॉर अगर आप अपना रैक स्लैब पर ही रखना चाहते हैं तो ऐसा रैक लीजिए जिसकी डिप ट्रे में कोई भी ड्रेन ना हो। इस तरह से यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद सारा एक्स्ट्रा वाटर इसी में कलेक्ट हो जाएगा एंड कोई मेस क्रिएट नहीं होगा। तो हमने देखा कि ये दोनों रैक्स इक्वली यूजफुल हैं, बट डिफरेंस सिर्फ वहाँ आता है कि आप यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद उनको ड्राई कहाँ करते हैं, सिंक के पास या फिर स्लैब पर। दोनों ही रैक्स मैंने अमेजोन से लिए हैं एंड दे आर अ लिटिल एक्सपेंसिव, तो हो सकता है ये ऑफलाइन मार्केट में आपको कम प्राइस में मिल जाए, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू चेक देम आउट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉटल क्लीनिंग ब्रश। इनमें से कौन सा बेस्ट है, नायलॉन ब्रिसल्स ब्रश, सिलिकॉन ब्रश और दिस फोम ब्रश? तो चलिए इनका भी क्विकली एक डेमो करके देख लेते हैं। ये एक ग्लास बॉटल है एंड एज यू कैन सी ये काफी डर्टी है, तो चलिए इसको क्लीन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये मोस्ट कॉमनली यूज नायलॉन ब्रिसल्स ब्रश यूज करके देखेंगे एंड एज यू कैन सी इसकी क्लीनिंग कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे दिस वेरी पॉपुलर सिलिकॉन ब्रश एंड इसके रिजल्ट भी इक्वली बैड है। अब हम फाइनली यूज करेंगे ये फोम ब्रश, इसने सारे डर्ट को कलेक्ट कर लिया है एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। बॉटल में से सारी डर्ट रिमूव हो चुकी है, तो अब बस हम इसमें वाटर और लिक्विड डिशवॉश ऐड करके इसको वॉश कर लेंगे एंड सी इट्स टोटली क्लीन नाउ। अनदर ग्रेट फीचर इज कि आप इस ब्रश में ये बटन प्रेस करके इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपके घर में लॉन्ग जग्स हैं या बॉटल्स हैं उनकी क्लीनिंग भी आप इजीली कर पाएंगे। Therefore, I'll highly recommend this. Now, let's talk about serving trays. सर्विंग ट्रेज लेते टाइम हम जनरली सिर्फ उनका कलर, साइज, डिज़ाइन ये सभी देखते हैं, बट कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल लव वुडन ट्रेज बिकॉज दे लुक सो क्लासी, बट कुछ टाइम बाद ही वो ओल्ड एंड डर्टी लगने लगती हैं एंड उन पर मार्क्स भी आ जाते हैं। सो वुडन ट्रेज को क्लीन एंड मेंटेन करने का नो कॉस्ट हैक मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया था, बट अगर आप मेंटेनेंस फ्री वुडन ट्रेज यूज करना चाहते हैं देन गो फॉर देयर लुक अलाइक। जैसे कि ये एक एनामेल कोटेड MDF ट्रे है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स लाइक इट्स मेड ऑफ वुड एंड इट्स टोटली मेंटेनेंस फ्री। सिमिलरली ये प्रिंटेड ट्रेज है एंड दे लुक लाइक दे आर वुडन, ऑल्सो दे लुक सो एलिगेंट। Now, let's talk about another factor. ये जो enamel coated trays होती हैं, they definitely look very attractive and need no maintenance. But अगर इनकी sides पे handles नहीं हैं, तो इनको मत purchase करिए because they are slippery and it may cause accidents as well. Let me share a better option with you.
एनामल कोटेड ट्रेस परचेज करते टाइम जरूर चेक करिए कि उनके साइड्स में हैंडल्स जरूर हो ताकि उनको होल्ड करने के लिए आपको प्रॉपर ग्रिप मिले। रेगुलर मेलामाइन ट्रेस परचेज करते टाइम भी इस फैक्टर को जरूर माइंड में रखिएगा। अब आप अपनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी को वरी फ्री कैरी कर सकते हैं। तो हमेशा उन्हीं ट्रेस को प्रेफर करिए जिन पे आपको प्रॉपर ग्रिप मिले। नाउ वील टॉक अबाउट सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स। इनको बाय करते टाइम सबसे पहले इनका मटेरियल चेक करिए। व्हाट आर दे मेड ऑफ? प्लास्टिक, सिरेमिक, स्टील और ग्लास। वी ऑल नो कि सॉल्ट की करोसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए प्लास्टिक शेकर्स आर अ बिग नो। इवन स्टील शेकर्स आर नॉट सेफ क्योंकि सॉल्ट की वजह से उन पे भी ओवर द टाइम रस्ट डेवलप हो जाता है जिससे अल्टीमेटली हमारा फूड कंटेमिनेट होगा। तो सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स के लिए सेफ मटेरियल है सिरेमिक एंड ग्लास। आप इन दोनों में से कोई भी मटेरियल चूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उन पे कैप जरूर हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने नोटिस किया है कि मार्केट में सिरेमिक सॉल्ट एंड पेपर डिस्पेंसर्स की ह्यूज वैरायटी है इन वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न्स, बट शायद ही कोई ऐसा मॉडल हो, कोई ऐसा पीस हो जिसके साथ में उनकी लिड भी आती हो। जनरली दे आर प्लेन। मैं लास्ट 4 ईयर्स से ये सिरेमिक सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स यूज कर रही थी एंड ओवर द टाइम ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुए। बट येस, क्योंकि इन पे लिड नहीं थी इसलिए इसमें सारा सॉल्ट जम जाता था इवन आफ्टर एडिंग राइस ग्रेन्स। बहुत सर्च करने के बाद मुझे फाइनली परफेक्ट सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लास जार्स है जिसके साथ आपको मल्टीपोर ऑप्शन वाली प्लास्टिक लिड मिलती है। दे हैव अ वाइड माउथ जिसकी वजह से आप इनको इजीली रिफिल कर सकते हैं। एंड नाउ दे आर अ न्यू एडिशन टू आवर डाइनिंग टेबल। Now, let's talk about glass jugs. हम सभी लोग अपनी किचन में एक ग्लास जग तो रखना ही चाहते हैं because of course they look aesthetically pleasing and also they give a modern touch to our kitchen. But glass jugs को carefully purchase करिए। जैसे देखने में ये दोनों जग सेम लग रहे हैं। Both are made of borosilicate glass, both are microwave, dishwasher and freezer safe and both are leak proof. एंड दोनों ही जग्स में आप हॉट वाटर भी डाल सकते हैं। दोनों ही जग्स में आपको फर्म ग्रिप मिलती है। तो क्या डिफरेंस बस इनकी शेप का है? ये सिलेंड्रिकल है और ये कॉनिकल? एब्सोल्युटली नॉट। सारा डिफरेंस है इन दोनों जग्स के बेस में। सबसे पहले आप इस जग का बेस देखिए, इसमें कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। तो किचन में काम करते टाइम आपको हमेशा इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो ये वाला जग है, इसके बेस पर ये सिलिकॉन कैप है जो कि आपके ग्लास जग को प्रोटेक्टेड रखती है। इसको आप इजीली वॉश करके वापस जग में अटैच कर सकते हैं। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ दिस ग्लास जग आई विल हाईली रिकमेंड दिस ग्लास जग विद अ सिलिकॉन बेस। हम सभी लोग अपने घर में, किचन में ब्यूटीफुल चीजें ही रखना चाहते हैं, बट ऑल आई विल से इज कि सिर्फ ब्यूटी के चक्कर में उनकी फंक्शनैलिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ट्राई टू लुक फॉर प्रोडक्ट्स जिनको आप वरी फ्री यूज कर पाए और वो भी आपके टाइम एंड एफर्ट सेव करें। एंड फाइनली वील टॉक अबाउट बेलन, दैट इज आर रोलिंग पिन। फॉर ईयर्स हम अपने किचन में ये वुडन बेलन यूज करते आए हैं, बट आफ्टर सम टाइम इस पर इस तरह से डेंट्स एंड स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। एंड आपने कुकिंग करने के बाद नोटिस किया होगा कि उसकी ये जो स्मॉल स्पेसेस हैं उसके अंदर आटा फंस जाता है। एंड अगर हम इसको हर बार थॉरली क्लीन ना करें तो सोचिए इसमें कितना बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू यूज स्टेनलेस स्टील रोलिंग पिन। ये अलग अलग शेप्स में आते हैं। ये हमारे वुडन बेलन का एक मच मोर हाइजीनिक ऑल्टरनेट है।
कुकिंग करने के बाद नेचुरली इस पे भी आटा लग जाता है, तो बस आप इसको टैप के नीचे वॉश कर लीजिए, थोड़ा सा रब कीजिए एंड सी इट्स टोटली क्लीन। फिर बस इसको वाइप कर दीजिए एंड सी इट्स टोटली ड्राई। तो चलिए एक बार इनका वेट भी चेक कर लेते हैं। इस वुडन बेलन का वेट है 193 ग्राम्स, इस स्टील बेलन का वेट है 201 ग्राम एंड दिस वन 229 ग्राम्स। तो एज कम्पेयर टू वुडन बेलन, इन दोनों स्टील बेलन्स का वेट भी सिमिलर ही है, तो आपको इनको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में आपने जो भी प्रोडक्ट्स देखे उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आई होप यू enjoyed वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में आपको सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे यूजफुल टिप या प्रोडक्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।